द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी। यूपी का जनपद महाराजगंज नौतनवा नगर में भूजल स्तर गिरने के कारण पीने की पानी की हो रही भीषण संकट को देखते हुए आज नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान की अध्यक्षता में उनके कैंप कार्यालय पर एक बैठक सम्मानित सभासदगणों, पानी सप्लायर्स व आम नागरिकों के साथ हुई, जिसमें अधिशासी अधिकारी वीरेंद्र कुमार राव भी उपस्थित रहे। इस बैठक में यह तय हुआ कि नगर में जितने भी वाटर प्लांट हैं सभी को 10 दिन के अंदर पानी रिचार्ज करने एवं नगर में स्थित सभी गाड़ी धुलाई सेंटर को तत्काल बंद करने का नोटिस दिया गया है। इसके अलावा नगर पालिका अपने 4 टैंकरों व 1 ई रिक्शा के अलावा 4 गाड़ियां किराए पर लेकर वार्डों में पानी सप्लाई सुनिश्चित की गई है तथा नगर पालिका की टूटी टोटियों से बर्बाद हो रहे पानी को तत्काल ठीक करने या बंद करने का आदेश दिया गया है। इस अवसर पर गुड्डू खान ने कहा कि आज हमारा नगर भीषण जल संकट से जूझ रहा है। इस समय हमारा सारा ध्यान व प्राथमिकता जल संचयन पर है। जितना भी संभव हो इस पर हमें अमल करना पड़ेगा ताकि भविष्य में आने वाली परेशानियों से निजात मिल सके। वहीं अधिशासी अधिकारी वीरेंद्र कुमार राव ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि आज हम सभी को इस भीषण जल संकट के समय में बरसात के पानी को रिचार्ज होल बनाकर पानी को वापस भूमि में ले जाने की व्यवस्था बनानी चाहिए। इस बैठक में निम्न वाटर प्लांट जयसवाल शुद्ध पेयजल एवं आर्डर सप्लायर्स गंगा शुद्ध पेयजल वाटर सप्लायर्स, इंडियन कूल वाटर, सिंह वाटर सप्लायर्स, प्योर लाइफ वाटर सप्लायर्स के अलावा किस्मती देवी, अनिल पटवा, मोहम्मद शकील, राधे श्याम मौर्य, रोहित चौहान, अजय दुबे, पप्पू जायसवाल, अनिल जायसवाल, संजय मौर्य, अशोक गुप्ता, विशाल जायसवाल, धर्मात्मा जायसवाल, ब्रजेश मणि त्रिपाठी, जयप्रकाश मदेसिया, शाहनवाज खान, राजेश बॉयड, प्रदीप मदेसिया, मुस्तफा, राधे श्याम सिंह, प्रमोद पाठक, मोहम्मद कुरैश आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं इस पर एक आज इस जल संकट की गोष्ठी में उपस्थित नौतनवा नगर पालिका के युवा अधिशासी अधिकारी श्री वीरेंद्र कुमार राव जी, वरिष्ठ सभासद हमारे छोटे भाई आदरणीय ब्रजेशमणि त्रिपाठी जी, आदरणीय जयप्रकाश मदेसिया जी, आदरणीय पप्पू जायसवाल जी, आदरणीय माती देवी जी, आदरणीय हमारे अशोक राम झा जी और हमारे जुझारू क्रांतिकारी साथी आदरणीय राधेश्याम भैया जी, आदरणीय प्रमोद पाठक जी, आदरणीय हमारे शकील अहमद साहब सहित तमाम हमारे ऑटो वाटर प्लांट के हमारे भाइयों, साथियों और दोस्तों, आज का ये दिन, आज का ये समय बड़ा संकट का है, बड़ा दुखदायी है। आज के दिन में इतिहास गवाह है। 2000 हमको राजनीति करते करते 30 साल हो, ऐसी आपदा, ऐसा भयावह स्थिति नौतनवा नगर पालिका में देखने को नहीं मिली। हर जगह जहाँ जाते थे नौतनवा ऊंचे पे है, इस जल को बचाना है और जल बचेगा तभी जीवन बचेगा। और अगर हम लोग जल पे ध्यान नहीं दिए, अगर इस जल को कंट्रोल नहीं किए, बेवजह पानी बह रहा है, हम अपने घर से जब शुरुआत करेंगे तभी हमारा नगर स्वच्छ और सुंदर रहेगा। और बेचते पानी हमारी ईओ साहब से, सभासदों से बात निरंतर चल रही है, जो पानी वेस्टेज हो रहे हैं वाटर रिचार्ज बनाना है। पहले है के बाद 10 दिन का हमने समय दिया है अपने भाइयों को, आरओ प्लांट वालों को, कि आप 10 दिन के अंदर अंदर वाटर रिचार्ज पानी तुरंत आप अपने वाटर जहां आपकी फैक्ट्री है उसमें बना ले। तक पानी नहीं पहुंचा पाएंगे तो हमारा जल प्रतिनिधि रहेगा, हमारा राजनीति करना व्यर्थ हो जाएगा। हम लोग के पास जितनी कोशिश है, जितनी ताकत है, हम उस ताकत लगा के हर घरों में पानी पहुंचाएंगे। आज हमारी बोर्ड ने यह निर्णय लिया है, आरओ प्लांट से हमने 4 गाड़ी हायर की है और हर 4 गाड़ी सुबह और नगर पालिका का टैंकर चल रहा है, और टैंकर चलने के अलावा वाटर प्लांट वालों से 4-5 गाड़ियां लेकर प्रत्येक वार्डों में सवेरे शाम हम वो पानी अपनी जनता को मुहैया कराएंगे, हम घर बनाएंगे और हम अपनी डॉक टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।